हाय फ्रेंड्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आई एम बलराम गुर्जर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन नव भारती टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जयपुर। तो दोस्तों, आज मैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान भाग 7 को लेकर उपस्थित हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में राजस्थान के एकीकरण के बारे में विस्तृत चर्चा की, उसके बाद हमने स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन किया। तो स्थापत्य कला के क्रम में हम आज बात करते हैं। तो आज का हमारा विषय है स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला के अंतर्गत है राजस्थान की दुर्ग। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो महाराणा कुंभा थे, उनको राजस्थान का जनक कहा जाता है। और उसके प्रति ये धारणा है क्योंकि मेवाड़ के अंतर्गत लगभग 84 दुर्ग बनाए थे, उसमें से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले राणा कुंभा ने किया था, इसलिए उनको राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। इसके बाद उसके जो राजस्थान के अंतर्गत दुर्ग थे, उनके प्रकार बताए गए थे कि जैसे किला है, दुर्ग है, गढ़ है, उनका अंतर क्या है, इनके बारे में हमने आपको बताया था। अब हम बात करते हैं कि शुक्र नीति के अंतर्गत जिस प्रकार राज्य के जो 7 अंग होते हैं, उनमें एक दुर्ग भी एक अंग होता है, उसी प्रकार शुक्र नीति में राज्य के अंगों के साथ साथ दुर्गों के प्रकारों का भी वर्णन किया गया है। तो शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग 9 प्रकार के माने जाते हैं। तो दोस्तों, शुक्र नीति के अनुसार जो दुर्ग के प्रकार माने गए हैं, वो 9 प्रकार माने गए हैं। अब 9 प्रकारों के बारे में हम जब बात करेंगे, तो दुर्ग के जो 9 प्रकार है, जैसे कि एरण दुर्ग और पारिक दुर्ग, पारिधि दुर्ग, बन दुर्ग, जल दुर्ग, गिरी दुर्ग, धान्य दुर्ग, साय दुर्ग और सैन्य दुर्ग, ये 9 प्रकार शुक्र नीति में बताए गए दुर्गों के। तो इनके बारे में हम जानेंगे कि आखिर पारिक दुर्ग कैसा होता है, एरण दुर्ग कैसा होता है, पारिधि दुर्ग कैसा होता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पर आता है पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग, देखिए दोस्तों, पारिक दुर्ग के बारे में जब हम बात करते हैं, तो पारिक दुर्ग से तात्पर्य होता है कि वह दुर्ग जिसके चारों तरफ गहरी खाई हो और गहरी खाई के साथ साथ उसमें पानी भर दिया गया। तो कहने का मतलब, गहरी खाई और पानी से भरी हुई और जिस किले के चारों तरफ होती है, जिस दुर्ग के चारों तरफ होती है, उसको पारिक दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। अब बात करते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत ऐसे कौन से दुर्ग हैं जिनके चारों तरफ गहरी खाई बनाई गई है और गहरी खाई में जल भरा गया है। तो ऐसे एकमात्र जो दुर्ग है, इसका एग्जाम्पल है इसका, तो वह है भरतपुर दुर्ग। भरतपुर दुर्ग के की यह खासियत है कि
कि उसके चारों तरफ खाई बनाई गई है, केवल मेन जो गेट है और गेट पर आने जाने का रास्ता है, इसके अलावा किले में कहीं से भी ना तो एग्जिट हो सकते ना एंट्री हो सकते। तो कहने का मतलब चारों तरफ खाई बनाई गई है और खाई में जल भरा गया है। उसका उदाहरण है भरतपुर का किला और डीक का किला, दोनों ही जो किले हैं वो पारिक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो आप ये स्पष्ट कर लीजिए कि जिस दुर्ग के चारों तरफ गहरी खाई बनाई गई हो और उसमें पानी भरा गया हो तो वह दुर्ग पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता। कहने का मतलब पारिक दुर्ग वह दुर्ग है जिसमें जिस दुर्ग के चारों तरफ गहरी खाई बनाई गई हो और उसमें पानी भरा गया हो तो वह दुर्ग पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब बात आती है कि जो पारिक दुर्ग है उसका एग्जाम्पल क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए उदाहरण है इसका राजस्थान के अंतर्गत भरतपुर का किला और नंबर दो पर है डीक का किला। मैंने दोस्तों ये आपको पहले क्लियर कर दिया है कि किला गढ़ और दुर्ग तीनों ही पर्याय शब्द हैं। फर्क है तो उसमें वह है कि किला दुर्ग और गढ़ यानी कि गुड बेटर और बेस्ट का अंतर होता है। तो कहने का मतलब भरतपुर का किला और डीक का किला दोनों ही किले कैसे किले हैं, पारिक यानी कि किस दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, पारिक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है नंबर दो पर है एरण दुर्ग का तात्पर्य है दोस्तों कि वह दुर्ग जिसके चारों तरफ कांटी खाई और यानी कि इस तरह का से बनाए गए हो कि वहां पर आना जाना पॉसिबल ही नहीं हो। तो यानी कि जिस के जिसके चारों तरफ गहरी खाई कांटे और पत्थर आदि हो तो वह दुर्ग एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है।
दोस्तों इसमें आपको याद रखना है कि एरण दुर्ग वह दुर्ग है जिसके अंतर्गत यानी कि जिसके चारों तरफ गहरी खाई हो, कांटे हो, पत्थर हो आदि यानी उबड़ खाबड़ एरिया हो, तो ऐसी स्थिति में वो जो दुर्ग होगा वो किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? एरण दुर्ग के अंतर्गत आएगा। और इसका जो एग्जाम्पल है राजस्थान के दुर्गों में वह है रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर का दुर्ग यानी कि जो रणथंभौर दुर्ग है वो किसका एग्जाम्पल है? एरण दुर्ग का एग्जाम्पल है। और क्यों है एरण दुर्ग का एग्जाम्पल? क्योंकि रणथंभौर दुर्ग के चारों तरफ गहरी खाई, कांटे, पत्थर, उबड़ खाबड़ जमीन होने के कारण रणथंभौर का जो दुर्ग है वो एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है पारिधि दुर्ग। पारिधि दुर्ग से तात्पर्य है दोस्तों कि वह दुर्ग जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवार का निर्माण कराया गया हो, यानी वह दुर्ग जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवार बनाई गई हो वह दुर्ग पारिधि दुर्ग की श्रेणी में आता है। नाम से ही पता लग रहा है परिधि से बना है। पारिधि किससे बना है? परिधि। और परिधि से ये शब्द बना है पारिधि, जिसका तात्पर्य होता है दीवार। तो जिस दुर्ग के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवार का निर्माण किया गया हो वह दुर्ग पारिधि दुर्ग की श्रेणी में आता है। यानी कि जिस दुर्ग के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवार का निर्माण किया गया हो वह दुर्ग पारिधि दुर्ग की श्रेणी में आता है। यानी कि शुक्र नीति में जो दुर्गों के प्रकार बताए हैं उसमें तीसरे नंबर का जो प्रकार है दुर्ग का वह है पारिधि दुर्ग, और जिसका एग्जाम्पल है चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और इसी का दूसरा उदाहरण है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ यानी कि कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ दोनों ही दुर्ग ऐसे हैं राजस्थान के अंतर्गत जिनमें बड़ी बड़ी दीवारों का निर्माण किया गया है, यहां तक कि उन दीवारों पर घोड़े भी आ जा सके इस तरीका की दीवार बनाई गई थी, और इसीलिए ऐसे दुर्गों को पारिधि दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है नंबर चार, वन्य दुर्ग। दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है वन्य दुर्ग। वन्य से तात्पर्य है जिसके
चारों तरफ जंगल, जिसके चारों तरफ वन हो, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ जंगल हो, तो वो जो दुर्ग है वो वन्य दुर्ग की श्रेणी में आता है। यानी जिस दुर्ग के चारों तरफ वन हो तो वह वन्य दुर्ग की श्रेणी में आता है। कहने का मतलब जिस दुर्ग के चारों तरफ वन हो तो वह दुर्ग वन्य दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब वन्य दुर्ग की बात जब हम करते हैं तो इसका जो राजस्थान में उदाहरण मिलता है तो वही रणथंभौर का दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। अब रणथंभौर दुर्ग, यह बात आपको जान लेना आवश्यक हो जाता है कि कोई जरूरी नहीं कि कोई एक दुर्ग है तो उसको एक प्रकार में ही कन्वर्ट करे। कुछ दुर्ग ऐसे हैं जो दो प्रकार को बिलोंग करते हैं, यानी दो प्रकार की विशेषता रखते हैं, जैसे कि रणथंभौर दुर्ग। यदि रणथंभौर दुर्ग वन्य दुर्ग की श्रेणी में भी आता है रणथंभौर दुर्ग, क्योंकि इसके चारों तरफ वन है, और वन्य दुर्ग की क्या विशेषता है कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ वन हो तो वो वन्य दुर्ग है। लेकिन एरण जो दुर्ग बताया था आपको पहले, तो एरण दुर्ग का जो तात्पर्य है वो यह है कि जिसके चारों तरफ गहरी खाई हो, कांटे हो, पत्थर हो, तो वो एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। लेकिन ये विशेषता फिर वन की हो जाती है, तो रणथंभौर दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो वन्य दुर्ग भी माना जाता है और एरण दुर्ग भी माना जाता है। नेक्स्ट है नंबर 5, धानव दुर्ग। नेक्स्ट वाला जो ये नंबर 5 धान दुर्ग है, धान दुर्ग के बारे में जब हम बात करते हैं तो धान जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है धान, और धान शब्द संस्कृत का, इसका हिंदी अनुवाद यदि हम करेंगे तो धान का मतलब होता है मरुस्थल, मरुस्थल या रेगिस्तान। तो ये धान दुर्ग जो होता है उसकी एक खासियत होती है कि इसके चारों तरफ क्या होता है, मरुस्थल होता है। कहने का मतलब धान दुर्ग वह दुर्ग होता है जिसके चारों तरफ मरुस्थल हो, और जिस दुर्ग के चारों तरफ मरुस्थल होता है, रेगिस्तान होता है, उस दुर्ग को धान दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। और धान दुर्ग की श्रेणी में रखने वाला जो दुर्ग है, जो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है, वह है जैसलमेर का दुर्ग। तो यानी कि वह दुर्ग जिसके चारों तरफ मरुस्थल हो, तो वह दुर्ग धान दुर्ग की श्रेणी में आता है। और इस धान दुर्ग का एकमात्र उदाहरण है जैसलमेर का किला, जैसलमेर किला। जैसलमेर का जो किला है वो चारों तरफ मरुस्थल से घिरा हुआ है, और चारों तरफ मरुस्थल से घिरा होने के कारण
जो जैसलमेर का किला है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? दहानू दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है जल दुर्ग, जल दुर्ग, जो जल दुर्ग है दोस्तों, जल दुर्ग के जब हम बारे में बात करते हैं तो जल दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है जिसके अंतर्गत जो किला होता है, जो दुर्ग होता है, वो चारों तरफ से किससे घिरा होता है? पानी से घिरा होता है, यानी कि जल से घिरा होता है। यानी कि वह दुर्ग जिसके चारों तरफ पानी हो वह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, यानी जिसके चारों तरफ जल हो वह दुर्ग, जिसके चारों तरफ जल हो वह दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब इसका जो एग्जाम्पल है वह है राजस्थान के अंतर्गत गागरोन का किला जो कि झालावाड़ में स्थित है, और एक है भैंस रोड गढ़ का किला जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहने का मतलब जिसके चारों तरफ जल हो वह दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, और गागरोन का जो किला है वो एकमात्र जल दुर्ग है, और भैंसरोड़गढ़ का किला है वो भी कैसा है? जल दुर्ग है। भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में है और गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है। नेक्स्ट है गिरिदुर्ग। देखिए जो गिरिदुर्ग होता है, गिरि का शब्द का तात्पर्य जानने सबसे पहले, गिरि का मतलब होता है पर्वत, पर्वत। तो कहने का मतलब वह दुर्ग जो कि किसी पहाड़ पर बनाए गए हो, यानी कि जो पहाड़ पर दुर्ग बनाए गए हैं वो दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? गिरिदुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो यानी जिन दुर्गों का निर्माण किसी पहाड़ पर किया गया हो तो वह जिन दुर्गों का निर्माण किसी पहाड़ पर किया गया हो तो वे दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। कहने का मतलब ऐसे दुर्ग
जिनका निर्माण किसी पर्वत या पहाड़ पर किया गया हो तो वे दुर्ग गिरिदुर्ग के अंतर्गत आते हैं। और गिरिदुर्ग का यदि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो राजस्थान के अंतर्गत ऐसे दुर्ग जो पर्वत पर बने हुए उनमें महत्वपूर्ण स्थान है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जो कि एक पहाड़ पर निर्मित है, चित्तौड़गढ़ का किला। और दूसरा है रणथंभौर का किला, रणथंभौर का किला, ये भी पहाड़ पर स्थित है। और एक और राजस्थान के अंदर शिवाणा किला, शिवाणा किला जो कि बाड़मेर में स्थित है, ये भी एक पहाड़ी पर स्थित है। कहने का मतलब चित्तौड़गढ़ पहाड़ी पर स्थित है, रणथंभौर पहाड़ी पर स्थित है और शिवाणा का किला भी पहाड़ी पर स्थित है। अब आपको यह जानना आवश्यक है कि रणथंभौर एक ऐसा किला है जो बंदुर की श्रेणी में भी आता है, रणथंभौर एक ऐसा किला है जो एरण दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, और रणथंभौर ऐसा भी है जो गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है क्योंकि वो पर्वत पर बना हुआ है। तो कहने का मतलब पहाड़ी जहां जिसका संबंध पहाड़ी से हो तो वो जो किला होगा वो गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।